शरद पवार ने खेला सबसे बड़ा राजनीतिक दांव। क्या सच में अध्यक्ष पद से देना चाहते हैं इस्तीफा, या फिर बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं पवार? आखिर लोकसभा चुनाव से पहले कौन सा दांव खेल रहे हैं पवार? मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई। मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ये बयान शरद पवार का है। भारतीय राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर पवार ने एक बार फिर खेल कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद एनसीपी के नेता भावुक हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पवार सच में पार्टी की कमान छोड़ रहे हैं, या फिर 2024 लोकसभा के लिए कोई नई रणनीति बना रहे हैं। पवार के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शरद पवार ने क्यों छोड़ा राष्ट्रीय पद और किसे होगा फायदा। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब अपनी ही पार्टी से कोई बड़ा नेता अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हो। शिवसेना के पूर्व चीफ बाला साहब ठाकरे ने भी ऐसे मौके पर दो बार पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। जब उन्हें लगा था कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है, बाला साहब इस कदम के बाद पार्टी के अंदर फिर से मजबूत होकर उभरते थे। मीडिया में चर्चा है कि शरद पवार ने भी इसी राह पर चलने की कोशिश की है। शरद पवार को लगता है कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है और कुछ नेता उनकी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अजीत पवार पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उनके बीजेपी के साथ जाने की चर्चा भी तेज है। शरद पवार के इस ऐलान के बाद सिर्फ एनसीपी में ही हड़कंप नहीं है, इस ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शरद पवार ही वह शख्स हैं जिन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को एक मंच पर लाया था। यदि पवार के पद छोड़ने से एनसीपी में फूट होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान महाविकास आघाड़ी को उठाना पड़ेगा, और उसमें भी शिवसेना उद्धव गुट को, क्योंकि अपने सबसे खराब समय से गुजर रही शिवसेना उद्धव गुट के पास महाविकास आघाड़ी और शरद पवार के अलावा और कुछ भी नहीं है। एनसीपी में टूट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार के बीजेपी में जाने की चर्चा थी। हालांकि अजीत पवार ने इस बात से साफ इनकार किया था। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन में कहा कि पिछले 60 सालों से आप सब मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे, मैं इसे नहीं भूल सकता। आज संगठनात्मक निर्णय की घोषणा के बाद मैं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का सुझाव देता हूं, जो भविष्य की कार्यवाही के साथ साथ यह भी तय करेगी कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। इस समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आह्वान, हसन मुशरिफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ और पार्टी के फ्रंट सेल के प्रमुख शामिल हैं। अब ये समिति ही निर्णय करेगी कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष अजीत पवार होंगे या फिर सुप्रिया सुले या कोई तीसरा नेता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।